जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन राज जय ब्रज जन जय यशोदा जीवन जय ब्रज जन राजन जय ब्रज जन राजन जय यशोदा जीवन जय ब्रज जन राजन जय ब्रज जन देखो भगवान का
नाम कीर्तन का क्या महिमा है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जो भगवान का नाम करते हैं और नाम करने का साथ साथ उसको तीन फल मिल जाते हैं। कितना फल मिलता है? ये जितने अंग्रेजी भक्त है ना तुम उनको लेकर बैठ जाते हैं। हरे कृष्ण दीदी दूसरा से लेकर एक कोड़े में बैठ जाते हैं। हमारे जो हिंदी भाषी लोग ना आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अभी इधर आ जाओ, अभी इधर आ जाओ, अभी इधर आ जाओ, और आगे आ जाओ, और फिर आगे आ जाओ, और फिर आगे आ जाओ। हम तो बैठे थे आगे आ जाओ, जो पीछे आएगा ना वो पीछे बैठ गए। अब जो आगे वो आगे आए। हरे कृष्णा। हाँ देखो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं पद्यावली में भगवान का नाम करने से उसको तीन चीज प्राप्त हो जाता है। कितना चीज मिलता है? आज मैं सुनाऊंगा, कल आपसे सुनूंगा। ऐसे सुनना जैसे मेरे को दूसरे दिन आप सुना सकते हो, ठीक है ना। देखो तीन चीज क्या होता है। रूप गोस्वामी कहते पहला चीज है, कहते श्री जबपुरी में श्री जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं। बोले चित्रगुप्त किसको कहते हैं? बोले चित्र मतलब होता है फटो है और गुप्त मतलब होता है छुपा कर। हम जीवन में जो कुछ कर रहे हैं ना ऊपर देखो कैमरा लगा हुआ, ऑटोमेटिक कैमरा है। तो किसका कैमरा है? और चित्रगुप्त का कैमरा है। जो कुछ करते हैं वो सारे को सारे उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है। कोई अगर सोचे 10 मंजिल ऊपर में हम दरवाजा बंद करके कुछ कर रहे हैं, कौन देखने वाले हैं? कहते अगर दिन में करोगे तो ये सूर्य का किरण सब जगह पर, आप वहां से कुछ भी छुपा नहीं सकते। सूर्य का किरण सब जगह पर, सबके सब हरे कड़ी सूर्य उसकी साथी है। बोलेगा अगर रात में कर रहा हूं कौन देख रहा है? जो रात्रि है कभी साखी है, 10 दिशाएं ये साखी है। और जो चंद्रमा है कहते ना भगवान का 2 आंख चंद्र और सूर्य है, ये 2 आंख चंद्र और सूर्य है। वो सब कुछ हम कुछ भी हम जीवन में छुपा करके कर ही नहीं सकते। सबके सब वो रिकॉर्डिंग हो रहा है और मरने का बाद उसका रिकॉर्डिंग खुलेगा। हमने क्या क्या किया है ना वो सारे रिकॉर्डिंग खुलेगी। अब देखना हम जैसे कर्म किया है ना, हमारा पत्नी भी ठीक वैसे ही मिलेगा, बेटा भी ठीक वैसे ही मिलेगा, तुम्हारी एजुकेशन भी पढ़ाई लिखाई भी ठीक वैसे ही मिलता है। इसलिए कभी कभी कोई कहते हैं ना अगर बच्चा अगर बदमाशी हो जाए, पिता माता की बात नहीं सुने, हम कहते ना लगता है पूर्व जन्म का शत्रु ही बेटा बनकर आ गया। बात सही है, पूर्व जन्म का शत्रु ही बेटा बनकर आ गया। इतने तंग कर देता है बेटा को जो है जैसे पत्नी, अब जैसे कर्म किया पति भी ठीक वैसे में पत्नी भी ठीक मिलेगा। पढ़ाई देखना एक पिता के 5 बच्चे है, देखना 5 बच्चों का नेचर संपूर्ण अलग मिलेगा। किसके नेचर से किसका नेचर नहीं मिलेगा, किसकी चेहरा पे किसका चेहरा नहीं मिलेगा, किसकी पढ़ाई को साथ में पढ़ाई नहीं मिलता है। एक बच्चा तो इतने पैसा कमाता है खाने के लिए कोई नहीं, एक बच्चे को दिन भर परिश्रम करने पर भी रोटी भी नसीब में नहीं मिलता, रोटी भी उसका नसीब में नहीं। क्यों? कहते जन्म हमने दिया, कर्म हमने नहीं दिया है। कर्म तो अपना कर्म करके ही वो अपना कर्म करके आया है, इसलिए उसका नाम चित्रगुप्त। लेकिन यहाँ पर जो हरिनाम करते हैं, यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं हरिनाम का कितने महत्व को कहते हैं। जो हरिनाम करते हैं कहते जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते, बोले इधर आओ, बोले क्या बोले रजिस्टर लेकर आ जाए, अपने रजिस्टर लेकर के आए। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति का नाम को यहाँ काट दो, ये व्यक्ति का नाम यहाँ से काट दो। बोले किस लिए? बोले भगवान का नाम जब करता है ये कभी नरक नहीं आएगा, ये कभी नरक नहीं आएगा, पहला काम है।
दूसरा काम किया है, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बुलाती, बोले सखी रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति का नाम यहाँ लिखते है रजिस्टर में। बोले किसी लिए? बोले हरि का नाम जब करता है ना, ये कभी और नरक नहीं जाएगा, ये सीधा बोलो वृंदावन राधा रानी के पास में आएगा। ताली बजा बोलो के लिए। इसीलिए कहते हैं भगवान कहा जाएगी सीधा राधा रानी को पास में जाएगी, क्योंकि हरि का नाम जप कर रहा है हरि का। बोले तीसरा जी जी क्या है? बोले ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी आरती की थाला लेकर के सजाना शुरू कर देता है, आरती की थाला सजाता है। बोले क्यों सजाता है? बोले हरि नाम कर रहा है ना, हरि नाम कर रहा है। जो भूर भूव मोह जन तप सत्य लोग को जो पार करेगा उस समय बीच में आरती उतर, वो व्यक्ति को मैं आरती उतार था। इतने फायदा है जो भगवान के नाम को ग्रहण कर रहे हैं। पिछले कल सुन रहे थे ना, कृष्ण खुद कहते हैं जने पूर्वम सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरिनामानी सदा तिष्ठति भारत। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे नाम को सभी नहीं कर सकते, सभी मेरे नाम को नहीं जब कर देना। दिन भर बैठ कर कोई स्मार्टफोन देख रहा है, दिन भर देख करके सास बहू की लड़ाई की बात दिन भर कर रहे हैं, दिन भर टीवी देख रहे, हरि नाम पर बोले समय कहाँ है? हमारे पास समय कहाँ हरि नाम करने के लिए? इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन हरि नाम कौन कर सकता है? बोले जने ही पूर्व सत जन्म, बोले एक जन्म नहीं, जो पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने भगवान की अर्चना पूजा की है। बोले तन्मो के हरिनामानी सदा तिष्ठति भारत, हे अर्जुन वही व्यक्ति मेरे नाम को जप कर सकता है। इसलिए आप जो हरिनाम कर रहे हो ना, साधारण मत समझो, अपने 100 जन्म को पहले ठाकुर का सेवा पूजा करके आए हैं, तभी इसी जीवन में आपको हर भगवान के नाम को आप ग्रहण कर रहे हो। इसलिए बड़े भाग्यवान व्यक्ति जो हरि का नाम को जप करते हैं। इसलिए क्या करो, जब हरि नाम हो ना उसमें खाली मत बैठा करो, हरि नाम करो, है हरि नाम करो। बोले हरि नाम क्यों करेंगे? बोले जो हरि नाम करेगा उसको पाप ऊपर में उड़ते ही जा जाएंगे, लेकिन बैठेगा कहाँ पर? जो करेगा नहीं जो करेगा नहीं उसको सर पर सारे पाप बैठ जाएंगे। इसलिए जब हरि का कीर्तन हो ना, कभी भी वहां चुप नहीं बैठनी चाहिए, उसको पीछे पीछे हरि का नाम को जप करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए सबके सब हमारे पीछे पीछे कीर्तन करो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे।
ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महामदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते कोटि सर्वविकनाथ श्री राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि ते। वृंदावे तुलसी तन्मयी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण हरे 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 रघुमास्तु हरे राम 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 बोल सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग तत्पद प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रकृष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज श्रील गौर गोविंद महाराज श्रील भक्ति विद्या श्रील भारती महाराज की चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाविधि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। आज हम सबसे सब श्री किसके घर प्रभु का नाम क्या है भक्ति का नाम क्या है सच्चिदानंद प्रभु जी घर में आज हम सबके सब यहाँ पर भगवान की कथा और भगवान की कीर्तन के लिए सबके सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए पुराण में एक श्लोक आता है बोले गंगा पापम शशि तापम दैन्य कल्प तरु हरि पाप पुण्यम तथा दैन्यम हरि सत समागम। इस श्लोक में कहते हैं साधु संघ की क्या महिमा है बोले गंगा पाप। हम कहते ना चलो गंगा नहा कर आएंगे बोले क्यों बोले सारे पाप को धोकर जाएंगे इसलिए गंगा पाप को नष्ट करती है। बोले शशि तापम शशि मतलब चंद्रमा। अब तो यहाँ पर ठंडा है बढ़िया है लेकिन अगर आप लोग इंडिया में जाओगे वहां पर अभी कितना गर्मी है वहां पर हैं। इसलिए सूर्य का किरण से सबके सब झुलस जाते हैं लेकिन रात में जब चंद्रमा उदय हो चंद्रमा क्या करता है सारे ताप को हमारी दूर कर देती है। कहते हैं जो दैन्य कल्प तरु हरि एक स्वर्ग में कल्प वृक्ष है कभी जो कल्प वृक्ष है जीव का जितने दुख दारिद्रता को ये कल्प वृक्ष हरण करता है। कल्प वृक्ष मतलब जो मांगो वही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कहते हैं जैसे तीनों चीज तीनों को हरण करता है लेकिन जो साधु संघ है ये क्या करता है बोले पाप पुण्यम तथा दैन्यम हरे सब समाज। अगर जीवन में तो सत्संग करे तो ये तीन चीज हमारी दूर हो जाती पहला नंबर पाप दूर हो जाती है बल्कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं बोले गंगा पर पश्चात
सरसने पवित्र करो हे तो मार्गुन। कहते गंगा में नहाने पर कभी पाप दूर होता है, लेकिन वैष्णव को दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाते। संत दर्शन से हम सवेरे सुन रहे थे ना, जितने दूर तक उनकी दृष्टि जाती है उतना दूर तक सारे दुख पर्यंत दूर हो जाते। एक संत अगर जन्म ग्रहण कर लिया तो सारा विश्व ब्रह्मांड, वो कहते ब्रह्मांड कारित शक्ति धैर्य धैर्य जन्म। एक एक जो भक्त है एक एक जो ब्रह्मांड को तार सकते। देखो एक भक्ति वेदांत स्वामी महाराज को देखो, चलो प्रभुपाद के देखो, हमारे भक्ति वेदांत चलो नारायण गोस्वामी महाराज को देखो। एक एक संत जन्म हुए तो विश्व ब्रह्मांड को पवित्र कर देते। एक एक संत की इतनी महिमा है, इसलिए कहते संत अगर नहीं होते तो दुनिया में कभी जगत जल फूट कर खत्म हो जाता। संत है इसलिए भगवान की दुनिया को अभी टिका करके रखे। क्यों? इसलिए आपको पता है सब देश अभी एटम बम बनाकर बैठा हुआ। अभी यूक्रेन और रशिया में क्या हुआ पता है? अभी चाइना अमेरिका में लड़ाई बोलते लगे। इस सब ना सारा दुनिया अभी अपना एटम बम लेकर बैठे हुए एक दूसरे को ध्वस्त करने के लिए। लेकिन अभी हो क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं हो रहा है? एक दिन गिरेगा, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी कुछ कृष्ण भक्त भजन कर रहे हैं जगत में। अभी कुछ तिलकधारी कंठीधारी अभी है, अभी जगत में भजन कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण गीता में बोले ना, अर्जुन को प्रतिज्ञा कराते हैं, बोले अर्जुन प्रतिज्ञा करो। कौन कह रहा प्रतिज्ञा नहीं हमें भक्ता प्रतिशत? अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं है, भक्तों का विनाश नहीं। आटो गिरेगा तो भक्त भी तो मर जाएंगे, लेकिन भगवान का प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जाएंगे है। इसलिए चूंकि अभी कुछ संत अभी जगत में है, अभी कुछ भजन हरिनाम कर रहे हैं, इनकी वजह से ये दुनिया टिका हुआ है। इनकी वजह से दुनिया टिका, कृष्ण खुद कहते हैं इनकी वजह से दुनिया भी टिका हुआ है। जब भगवान देखेंगे कोई भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, दुनिया मेरा है, दुनिया मैंने सृष्टि किया, मेरे खाया हुआ पहना हुआ चीज को तुम ग्रहण कर रहे हो और तुम मेरे को ही भूल कर बैठे हो और दुनिया सबको पीछे तुम पड़े हुए हो है। दुनिया को पीछे पड़े हुए, लेकिन मेरे भक्ति जो देने वाले सब उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते। वो कहते तुम कौन हो, तेरे वजन करके क्या होगा? और जो दे रहा है, अभी कोरोना आ गया था ना, कोरोना आ गया था, आपको पता होगा ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन। मेरा तो कोई परिचय व्यक्ति था, भारत में 10 हॉस्पिटल घुमा कहो ऑक्सीजन के लिए, लेकिन कहीं ऑक्सीजन नहीं मिला। लास्ट उसने दम तोड़ दिया ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन जन्म से लेकर अभी तक जो फ्री का ऑक्सीजन या नाक को पास में रखे हो, कितना उसका बिल पे कर रहे हो? कोई बिल पे कर रहे हो क्या? फ्री का बिल ले रहे हो, लाइट को तर जला रहे हो। अगर एक दो महीना अगर बिजली बिल नहीं दोगे क्या होगा? कट जाएगी ना। लेकिन दिन में जो इतना बड़ा लाइट तुमको फ्री का दे कर रखा, उसको कितना पे, उसके लिए कितना बिल पे कर रहे हो? इसलिए श्री सूरदास जी कहते हैं, जिने तनु दही ताही विसराई कैसे नमक हरामी मौसम कौन कुटिल थलकामी। सूरदास जी कहते हैं मेरे जैसे कुटिल खाल दुष्ट कौन हो सकता है? जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है, वो चाहता तो तुमको पागल बना सकता था, चाहता तो तुमको पेड़ पौधा बना सकता था, चाहता तो कुत्ते बना करके रोड में घुमा सकता था, लेकिन उसने ये नहीं किया, हमें हट्टे कट्टे बड़े सुंदर मानव शरीर दिया। कहते जिनी तनु दही ताही बिसराई, तुमने क्या किया उसको ही भूल कर बैठी गए, और जिसने कुछ भी नहीं दिया ना दिन उसको पीछे दिन भर घूमते रहते। जो दुनिया में कुछ भी तुमको नहीं दे रहे हैं, हमारे गुरु जी एक अच्छी बात कहते थे, देखना संसार में जो काम हम कर रहे हैं ना, देख लेना अपना लिए बहुत दूसरे के लिए ज्यादा है ना। अपना पति को कैसे खुश करें, अपना पत्नी को कैसे खुश करें, अपना बच्चों को कैसे खुश करें, अपना सास ससुर को कैसे खुश करें, परिवार को कैसे खुश करें, इसलिए ज्यादा करते हैं ना। अपना लिए ना बहुत कम करते हैं। गुरु जी कहते थे अभी तक तो संसार में तुम्हारे ऊपर कोई खुश है? अभी तक तो किसको तुमने खुश कर पाए? देखना तुम्हारे पीछे तुम्हारी चुगली की सिवाय कुछ भी नहीं होती होगी तुम्हारे पीछे। तुम्हारे पीछे तुम्हारी चुगली के सिवाय सास बहुत भी चुगली करती, कोई सास चुगली करती होगी। चुगली के सिवाय बदनाम के सिवाय कुछ भी तुमको मिलने वाले नहीं करेगा, कुछ भी कुछ देने वाले नहीं। और जो बदनाम करने वाले ने देखा उसको पीछे दिन भर घूमते रहे, दिन भर उसको खुश करने के लिए है, खुश करने के लिए। लेकिन
जो देने वाले हैं है? भगवान का अंगुल कट गया, भगवान परीक्षा कर रहे थे, द्रौपदी थोड़ी साड़ी फाड़ करके प्रैक्टिस कर दिया। भगवान कृष्ण इतने में रिझ गए, इतने में रुझ गए, बोले इसको कब में, इसका ऋणी से कब में भुगता हूँ, ऋणी बनू कब भुगता हूँ। जब हरी सभा में लाज जा रहे थे द्रौपदी की, द्रौपदी का कितना पति थे, सर्वश्रेष्ठ गांधीधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, तलवार युद्ध में नकुल सहदेव, भाला युद्ध में युधिष्ठिर, इनके बराबर कोई नहीं थे। पांच पांच पति भी काम में आए हमारे, जिसका पांच पति काम में नहीं आए, हमारी एक पति क्या काम में आए जिसके पांच पांच पति और इतने बड़े बड़े योद्धा थे, जो उसकी कोई काम में नहीं आए, बताओ हमारे एक पति क्या काम में आएगा, बताओ कोई काम में आएगा, अब बताओ काम में आया तो लास्ट में कौन काम में आया है, अब बताओ कौन काम में आए, कृष्ण ही काम में आए ना, भगवान कृष्ण ही काम में आए और कोई काम में नहीं आए। इसलिए शिक्षा देते भैया भाई अंतिम समय में कोई काम में आने वाले नहीं, काम में आएगा तो कौन आएगा, लास्ट एक ठाकुर जी काम में आएंगे और कोई काम में हमारी नहीं आए। इसलिए कहते हैं बोले सस कहते हैं ससी गंगा पाप, कहते गंगा क्या दूर करती है, पाप को दूर करती है, लेकिन संत दर्शन मात्र दूर कर देते हैं। बोले गंगा पाप, बोले ससी ताप, कहते चंद्रमा क्या दूर करती है, बोले ताप है, चंद्रमा उदय होने पर सुशीतल देता है, इसलिए हमारे ताप को दूर कर देते हैं। लेकिन साधु क्या करते हैं, दर्शन से और भगवान की कथा से, ये तो ऊपर का ताप दूर करता है चंद्रमा, लेकिन हृदय में जो ताप है, जो संसार त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। इसलिए जो हृदय की जो ताप आग जल रही है, वो ताप कैसे दूर होगा, कि वो ताप को कौन को दूर करते हैं, गुरुदेव वैष्णव लोग ताप को दूर कर देते हैं। बोले धन्य कल्पतरु हरि, कभी ये कल्पतरु क्या करता है, बोले दरिद्रता को दूर करता है, कल्पतरु दरिद्रता को दूर करता है, कल्पवृक्ष दुख दरिद्र को, लेकिन संतों का दर्शन से संग से ही ये सारे दुख दूर, हमारी सब दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र में साधु संग सर्व शास्त्र करे लव मात्र साधु संगे सर्व है, जीव जीव में अगर एक लव अगर जीवन में साधु संग हो जाए तो उसका सर्वसिद्धि क्या भगवत प्राप्ति हो जाती। इसलिए साधु संघ की बड़ी महिमा साधु संघ की, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं विनु सत संग विवेक ना होई राम कृपा विनो सुगम ना सोई। इसलिए जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक जीवन में हम साधु दर्शन में नहीं मिल पाए। इसलिए कल हम लोग सुन रहे थे ना कथा सुनने के लिए देवता लोग भी स्वर्ग से उतर कर कथा सुनने आते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले स्वर्गीय सती च कैलासे बोले वैकुंठे नास्ते अमरस। ये जो सत्संग भगवत कथा है, यदि स्वर्ग में भी नहीं है, अगर कहीं ये कथा मर्त्य जगत में हो, स्वर्ग से देवता लोग भी कथा सुनने के लिए आते हैं, और खाली हाथ में नहीं, वो वहां से अमृत लेकर, वहां पर अमृत कलश लेकर के आते हैं। कहते स्वर्ग की बात छोड़ दो, बोले ब्रह्म लोक में अगर कहीं सत्संग हो, हरि कथा हो, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक सभी कथाओं सुनने के लिए आते हैं। ब्रह्मलोक कितना दूर बताओ, पूर भुग मोह जन तप सत्य सत्य लोक ब्रह्मलोक कहते हैं, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, वहां से भी इतने दूर से भी ब्रह्मा जी कथा सुनने के लिए आते हैं। बोले सत्य लोक की बात छोड़ दो, तो कैलाश अगर शंकर जी को कभी इच्छा हो कथा सुनने के लिए, उसको ऊपर में कैलाश लोक, बिरजा के ऊपर में शिव लोक है, बिरजा के ऊपर में कहते शंकर जी भी वहां से कथा सुनने आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शिक्षा देते हैं, कोई अकेले नहीं आते, तो देवता लोग जो आती है अपना देवियों को साथ में आते, ब्रह्मा जब आए तो शारदा को साथ में आते, शंकर जब आए अकेले नहीं, पार्वती को लेकर जाते, कथा सुनने के लिए कोई भी अकेले नहीं आते। शिक्षा देते हैं कोई अकेले कथा सुनने मत जाओ, देविया जाओ ना, अपना देवता को साथ में लेके जाओ। और कहते जो देवता लोग पुरुष लोग आए तो अपना देवियों को लेकर के आओ, अपना पत्नियों को लेकर के आओ, अकेले बताओ मना किया। बोले ऐसे क्योंकि सब दो दो भोग जाते हैं,
ये जुड़ा जुड़ा क्यों, अकेले क्यों नहीं जाते? बोले इसका कारण है, जैसे आप सत्संग सुना, सत्संग से तो ज्ञान मिलता है ना कि जीवन किया है भगवान, जीवन क्यों किया, कितने कठिनी से कैसे 84 लाख जन्म के बाद मिला, ये जन्म ठाकुर सहज में नहीं देते हैं। जीवन पाने का तात्पर्य क्या है, बोले प्रभु का भजन ही जीवन का लक्ष्य है। जब ये साधु संग में जाएंगे तब तो पता चलेगा ना, हम लोगों जो गले में कंठी तिलक माला है, किसके कारण है? साधु संग के कारण आज गले में कंठी तिलक माला है। जो साधु संग कर रहे हैं उनका ही भक्ति बचा हुआ, जो साधु संग नहीं करते हैं दिन रात टीवी स्मार्टफोन उल्टा पुलटा में लगे हुए देखे हैं। इसका कारण क्या? साधु संग है। अगर पत्नियां कथा सुनने के लिए आए, अकेले आए, जरूर कथा जो सुनेगा रंग चढ़ेगा ही उसको ऊपर में, वो जरूर गले में कंठी माला तिलक करेगा ही, तू कथा के रंग तो चढ़ेगा। लेकिन पति लोग नहीं आए तो क्या करेंगे पति लोग? पति लोग क्या बोले, कौन सा बाबा की चक्कर में पड़ गई तू, हैं? गले में कंठी माला तिलक जब तक तो माला लेकर बैठी जाती हो, कोई काम धाम नहीं तुम्हारी। लेकिन अगर पति लोग आए, अगर पत्नियां नहीं आए, अगर पति लोग आए इनको अगर रंग चढ़ेगा वो भी भजन करना शुरू करेगी, पत्नी क्या बोलेगी? बोले पहले तो सिनेमा ले जाते थे, अभी बोलो धाम में चलो, बोले धाम में चलो, सत्संग में चलो, भगवान की कथा में चलो, हैं? पहले तो घुमाने के लिए ले जाते थे, अभी जब समय हो चलो भगवान के भजन में सत्संग में। इसीलिए लेकिन अगर दोनों कथा सुनने के लिए आओगे ना, गाड़ी दो भैया में चलती है ना, एक भैया में थोड़ी गाड़ी चलती, खाली गाड़ी दो भैया में चलती है। अगर दोनों अगर कथा सुनने के लिए आएंगे, ये दोनों को ऊपर रंग चढ़ेगा, दोनों को रंग चढ़ेगा, चलो वृंदावन से भक्त लोग आए, चलो दोनों कथा सुनने चलते हैं, चलो हम दोनों चलो मिलकर नवद्वीप परिक्रमा चलते, वृंदावन धाम चलते, फिर दोनों चलोगे तो पास दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू दोनों हाथ में। इसीलिए यहाँ सिखा देते शंकर जी, अकेले नहीं पति को लेकर गया, पति को कहते अकेले नहीं पत्नी को लेकर गया, दोनों चलो कथा सुनने के। इसलिए शंकर जी अकेले नहीं आते, पार्वती को लेकर के आते, ब्रह्मा अकेले नहीं ब्रह्मानी को लेकर के आते, बोले नहीं चलो हम दोनों कथा सुनने के लिए, दोनों ही कथा सुनने के लिए चलो। देखो आपको सही घटना सुनाता हूँ, ध्यान देकर, सही घटना है। एक राजा थे, वो बड़े सत्संग के प्रेमी थे, एक संत कथा करते थे, वो राजा रोज कथा सुनने आते थे। जो सत्संग करेगा उसको धर्म में चढ़ेगा तो राजा समय को कभी नष्ट नहीं करते हैं। जानते हैं ये मानव शरीर का जो एक पल, एक जो श्वास गया है, जो एक श्वास निकला है, करोड़ रुपया देने पर भी एक श्वास को हम वापस नहीं ला सकते। जैसा अंबानी है, डॉक्टर बोलते हैं इसका अंतिम श्वास है, अगर अंबानी का परिवार बोले तुमको चार ही कोहिनूर हीरे दे रहे, इसका चार श्वास को वापस ले आओ, ला सकते हैं डॉक्टर? ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। इतने ये मानव शरीर नहीं है, कोहिनूर हीरे ठाकुर दिए, एक श्वास नहीं है कोहिनूर हीरे है। लेकिन ये श्वास सांस का सार्थकता किसी में, जब हमारा हर श्वास में ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। जब भगवान का नाम हम जप करें ना, समझो तुम्हारी श्वास की सार्थकता, नहीं तो ये श्वास गया, ये श्वास लौटने वाले नहीं है, हैं? श्वास लौटने वाले नहीं है। राजा को ये चीज पता, इसलिए सत्संग करता है, समय को नष्ट नहीं कर गीता भागवत दिन में भजन कर। रानी तो दिमाग खराब, तू सत्संग नहीं करती है ना, सत्संग नहीं करती है, जो सत्संग नहीं करेगी क्या कर, फिर वह स्मार्टफोन में लगेगा, नहीं तो टीवी देखेगा, नहीं तो इधर उधर बात करेगा, बोले घूमने चलो, ये चलो यहाँ पर पीएचडी करने के लिए पार्टी में चलो। लेकिन राजा तो जीवन उसको पता चला, जीवन दुर्लभ है, इसलिए प्रभु का भजन में। लेकिन रानी तो दिन भर खोपड़ी खा रहा, उसको भक्ति में तो रुचि है ना, भजन में रुचि नहीं उसकी, इसलिए खोपड़ी खा रहा उसकी। ये राजा क्या दिन भर गीता भागवत बैठ जाता है, और क्या ये माला लेकर बैठता है, ये दिन भर मेरे साथ में बात नहीं करता है, पहले घुमाने ले जाता, उसको दिमाग खराब। अभी रानी ने सोचा कि जो बाबा को पास में जाता है ना, ये बाबा ने मेरे पति को बुद्धि खराब कर दिया, इसलिए बाबा को नीचे दिखा दूंगा, बाबा को उसको नीचा दिखाऊंगा। उसने एक वेश्या को बुलाया, बोले काम कर सकती हो? बोले बताओ महाराज। बोले जब राजा भरी सभा में सत्संग में जब सत्संग सुनता है, तुम जाने एक बात को बोल देना, फिर रत्न से भर दूंगी, बोल बता दो।
बोले एक बात बोलना, बोले महाराज, बोले बाबा आपका संघर्ष मेरे पेट में बच्चा आ गया है, अब बताओ ये बच्चे को मैं क्या करूं, इतनी बोलना आप, केवल इतनी सी बात बोल देना। और वो पैसा के लोग से आ गए, आ करके जो भरी सभा भरी हुई थी, बहुत लोग बैठे हुए थे, कथा सुन रहे थे, उसने आई भरी सभा में उसको बोल के, बोले महाराज आपकी संघर्ष से मेरे पेट में बच्चा आ गया है, आप बताओ इस बच्चे को मैं क्या करूं। लेकिन वो संत तो बड़े पहुंचे हुए संत थे, लेकिन सब सुन करके उसने कुछ भी नहीं बोले। अभी जितने जो बोले ही नहीं, सबका मन में तो डाउट आ गया, क्या सत्य सचमुच गलत आदमी है, असत संत करते वैसे असत करते हैं। और राजा को पूर्ण विश्वास है ये संत सही है, लगता है इसके अंदर कोई साजिश है। इतने में राजा वापस आए, वो वैश्या को अकेले बुलाए और सामने तलवार रख दिया, बोले तुम सही सही बताओ नहीं तो तुम्हारी गला में उतार दूंगा, तुम सही सही बताओ तुमने ये भरी सभा में संतो कैसे क्यों बोली, बोलो सही सही। वो तो कहां उठी, बोले महाराज आपको पत्नी महारानी मेरे को पैसा की लोभ दिखा कर ये बात बुलवाया, आपको रानी ने मेरे को ये बात मतलब मेरे पर बुलवाया पैसा की लोभ दिखा कर, मेरी कोई गलती नहीं। इतने में राजा आए संतों के पास, चरण में गिरे, बोले बाबा माफ करना की सब बात है, पत्नी ने पैसा की लोभ दिला करके ऐसे काम किया। देखो संत क्या कहते हैं, बोले हमारी रानी का दोष नहीं तुम्हारी दोष, रानी का दोष नहीं तुम्हारे दोष, बोले मेरा दोष क्या है, बोले तेरा दोष ये है तू कथा में अकेले आते हो और पत्नी को नहीं लाते, कथा में अकेले आते हो रानी को साथ में नहीं लाते हो, क्योंकि तुम अकेले कथा में आए इसलिए तुम्हारे ऊपर रंग चढ़ा भजन कर रहे हो, रानी को नहीं लाए और तुम तो दिन भर प्रभु के भजन में मस्त रहते हो, रानी क्या करेगा उसको तो ऊपर रंग तो चढ़ा ही नहीं, विष्णु दिमाग खराब है इसलिए बात बुलवाया, कल से रानी को भी कथा में लाया, ठीक है ना, क्या करना सब अकेले अकेले नहीं आओ, क्या क्या करो कथा सुनने के लिए, दो दो कथा सुनने के लिए आनी चाहिए, इसलिए इसलिए कथा सुनने के लिए क्या होता है, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक से आते हैं, देवता लोग देवलोक से आते हैं, शंकर जी शिव लोक से आते हैं, कहते गरुड़ जी कथा सुनने के लिए वैकुंठ से कथा सुनने के लिए, मर्त्य जगत में कथा सुनने के लिए वैकुंठ से भी गरुड़ आते हैं, इसलिए बोले वैकुंठ नास्ते अमरस, आज जो रस हमको पान करने के लिए मिल रहा है, कहते वैकुंठ में जन्म लेने पर भी उनको भाग्य में भी ये सौभाग्य नहीं होता है, इतने दुर्लभ ये भगवान की कथा, इसलिए ताली बजाओ तुम लोगों के लिए, तुम भाग्य आज हमें मिला है ये भाग्य, किसी को ये भाग्य नहीं मिलता, इसलिए हम बड़े भाग्यवान, ठीक है ना। और ये कथा रस सचिन नंदन प्रभु घर में बहता है, सचिन नंदन प्रभु घर में ही कथा रस बह रही है, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान, ठीक है। अभी हम सुनेंगे श्रीमन महाप्रभु रूप गोस्वामी को क्या रूप शिक्षा में क्या क्या कथा सुनाए, सुनेंगे एक मिनट कीर्तन कर लेते, ठीक है, एक मिनट कर लेते। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे Krishna, 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 Krishna.
हम लोग सवेरे कथा सुन रहे थे, प्रश्न को जो कर रहा था ऐसा हो गया। हम सवेरे जो श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु है, कौन सा उपाध है, रघुपति उपाध है। कहते महाप्रभु ने उनको 5 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न था क्या, प्रश्न था पहला प्रश्न क्या प्रश्न था, किसको याद है, भगवान के सारे अवतारों में से कौन सा अवतार सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के रूप में अवतार नहीं, भगवान का रूप में भगवान की बहुत रूप है, कहते ना हरि अनंत हरि कथानंद, कहते भगवान की बहुत रूप है, 24 अवतार भगवान की भागवत में आया। लेकिन ये सारे अवतारों में सबसे सुंदर रूप किसकी, सर्वश्रेष्ठ रूप किसकी है, सर्वश्रेष्ठ रूप, इसका उत्तर में हम लोगों ने सुना था, बोले जो कृष्ण जो श्याम रूप है, सबका रूप में श्री कृष्ण का श्याम का रूप सबसे सुंदर रूप है। इसलिए कभी कभी ब्रज गोपियां कृष्ण पर ताना मारती हैं, बोलते नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती कर, अच्छा हुआ है भगवान ने तेरे को लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, क्योंकि तुम इतने सुंदर हो, अगर तुम लाली बनती ना विश्व ब्रह्मांड के जितने व्यक्ति क्षत्रिय आपस में युद्ध करके मर जाते तेरे को बना दिया, अच्छा हो गया तेरे को लाली नहीं बना कर तेरे को लाला बना दिया है, उनको ताना मारती है। इसलिए हमारे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बोले कोटि कंदर्प कमनीय विशेष स्वभाव, भगवान के लिए प्रार्थना करती है भगवान कितने सुंदर हो, ले एक काम देव नहीं करोड़ों काम देव जिनका रूप को देख करके मुक्त हो जाते, काम देव भी जिनकी रूप देख कर स्वयं मोहित हो गए। इसलिए हमारे श्री सूरदास जी कहते हैं, है सूरदास का नाम सुने ना, सूरदास जी कहते श्री गिरिराज गोवर्धन में जो कृष्ण जो गिरिराज धारण कर रखा ना वहां पर श्री विठल नाथ जी क्या करते थे, रोज श्रीनाथ जी को सुंदर श्रृंगार करते थे, हैं बड़े सुंदर श्रृंगार करते थे। लेकिन श्रृंगार को बाद में ये जो सूरदास जी बड़े सुंदर जैसे वो श्रृंगार करते थे, उनको श्रृंगार को ठीक वैसे ही वर्णना करते थे। एक दिन विठलनाथ ने देखा ये सचमुच से अंधे ना, ये नाटक करते थे अंधे का, क्योंकि मैं जैसे श्रृंगार करता हूँ वो ठीक वैसे ही श्रृंगार वर्णना कैसे करते हैं, ऐसे ही तो नाटक तो नहीं कर रहे, लेकिन वो तो अंधे, लेकिन अपन दिव्य दृष्टि से दर्शन करते थे। एक दिन उन्हें क्या गया, ठाकुर को तो स्नान कराया पूरा नंगा नंगा कर दिया है, गले में एक मोती की माला डाल दिया, स्त्री डाल दिया, बोले बाबा बताओ तो आज ठाकुर को श्रृंगार कैसे किया। हे सूरदास जी कहते हैं आज देखे हमारी नंगे ही नंगे, आज तो ठाकुर पूरा नंगे ही नंगे पूरा ठाकुर जी है, लेकिन नंगे के नंगे होने पर भी लेकिन सुंदरता की उठत तरंग, लेकिन नंगे होने पर भी भगवान के शरीर में जो सुंदरता की जो तरंग जो लहर फैल रहा है, ऐसे ठाकुर जी सुंदर ठाकुर जी भूषणांक में भगवान के लिए बताए। इसलिए जितना रूप में सर्वश्रेष्ठ रूप से भगवान श्री कृष्णचंद्र, कृष्ण जितने सुंदर है जगत में और कोई इतना सुंदर नहीं। आज सवेरे हम लोगों ने बहुत सारी कथा सुने थे, है दूसरा प्रश्न क्या था, बोलो दूसरा प्रश्न क्या था, इसलिए भगवान की जितने धाम में, भगवान के अनंत धाम में अनंत वैकुंठ है, लेकिन अनंत वैकुंठ में उनकी सर्वश्रेष्ठ धाम क्या है, कहते मधुपुरी व वृंदावन धाम उनकी सर्वश्रेष्ठ धाम श्री वृंदावन धाम है। इसलिए वृंदावन जैसे सुंदर जगत में कुछ भी नहीं, इसलिए जहां पर करोड़, इसलिए जहां पर अकबर आया था कभी सनातन गोस्वामी के पास में सेवा करने के लिए, बोले बाबा आपको क्या सेवा करें, उनको मन में बड़ा अभिमान था मैं आया हूँ हाँ अकबर हूँ और बाबा का सेवा करूंगा, तब सनातन गोस्वामी बोले एक काम कर सकते हो, बोले बताओ, बोले जो मैं सीढ़ी में उतर कर नहाने जाता हूँ वो सीढ़ी का एक कोना टूट गया उसको सही कर सकते हो, बोले आप किसको क्या सेवा दे रहे हो, मैं अकबर हूँ राजा हूँ आपके लिए बहुत बड़ा, मैंने राजमहल बना सकता हूँ आपके लिए, बड़ी सुंदर गौशाला बना दू मंदिर बना दू, आप क्या कह रहे हो, मेरे अकबर को कह रहे हो सीढ़ी का एक कोना टूट गया सही कर दो, बोले अब देखो तो सही अब उसको सही करने का लायक है, अब देखो तो सही, जब उन्होंने वो सीढ़ी में उतरे ना
उन्होंने दिव्य वृंदावन धाम दर्शन कराया। कितने कितनी चीज में सीढ़ी बनी हुई थी। आकबर ने बोले मैं अगर मेरे राज्य को 7 बार भी बेच दू ना, ये सीढ़ी का कोने को सही करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, मेरे पास पैसा नहीं होगा। ऐसे रत्न से उनके सिंहासन को सीढ़ी, ऐसे रत्न हीरे जवाहरात से बना हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी कहते चिंतामणि प्रखर सत्म सुकल्प वृक्ष, वहां का जो भूमि चिंता भरी भूमि श्री वृंदावन धाम है। इसलिए बोले वृंदावनम सखी विभो वितनेत कीर्ति, जब देव के सुता पदा भोज लक्ष्मी। इसलिए वृंदावन श्री दिव्य श्री वृंदावन धाम। तीसरा प्रश्न क्या था? इसलिए उनका जो तीसरा प्रश्न है, कृष्ण के बहुत सारे रूप है। एक उनको बाल्य लीला है, एक उनका पौगंड लीला है, एक उनको किशोर अवस्था की लीला है। कभी ये सारे लीलाओं में भगवान की जो रूप है, अलग अलग रूप है, वो सर्वश्रेष्ठ कौन सा रूप? भगवान की सर्वश्रेष्ठ रूप है। इसलिए उन्होंने बताए रूप कैश्वर, भगवान की जो किशोर वैश्वी जो लीला है, कृष्ण सखाओं के साथ में लीला की है, मैया यशोदा के साथ में भी आस्वादन की, लेकिन ब्रज गोपियों के साथ में जो कैश्वर लीला उन्होंने गोपियों को साथ में, विशेष करके जो राधा रानी को साथ में जो लीला करते है ना, जो कैश्वर जो लीला, इससे और सुंदर लीला जगत में कुछ भी नहीं। इसलिए जब श्री माता कुंती है, माता कुंती भगवान को स्तुति कर रही थी, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैया कुंती स्तुति कर रही है, बोले कृष्णाय, कृष्णाय मतलब जो कृष्ण को भक्ति करते हैं, कह दो सर्वश्रेष्ठ भक्ति, इनसे बड़ा भक्ति जगत में कुछ मिले, लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले वासुदेवाय, कहते वसुदेव नंदन। बोले क्यों? कहते जगत पिता जगन्नाथ है, भगवान जगत का पिता है, लेकिन पिता होते हुए भी अपने पिता को किसको स्वीकार किया? पिता रूप में वसुदेव महाराज, पिता रूप में वसुदेव महाराज को, लेकिन उनसे ज्यादा सौभाग्यवान बोले देवकी, बोले उनसे श्रेष्ठ देवकी। बोले क्यों? बोले कारण है, बच्चे को गर्भ में कौन धारण करती? बाबा धारण करते ना, माँ धारण करती, कौन धारण करती? माताएं धारण करती। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं पिता से ज्यादा सौभाग्यवान माँ है। अब देखना माँ किसकी गोद में ज्यादा बच्चा लाल में पालना होती, किसकी? माँ की है। इसलिए ममता वही माँ, इसलिए कहते हैं, कहते वसुदेव महाराज से भी जो श्रेष्ठ है, कहती माता देवकी, लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले नंद गोप कुमार आय, कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए हैं, लेकिन उनको पलने में किसी ने झुलाया? हाँ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, उनको पलने में झुलाने वाले कौन है? बोले मैया यशोदा। गोद में स्थान किसने पार कराया? मैया यशोदा। उनको पलने में झुलाया किसने? मैया यशोदा। अंगुल पकड़ करके ठुमू ठुमू कर चलाया किसने? मैया यशोदा। इसलिए कहते हैं उनसे भी श्रेष्ठ है नंद बाबा, मैया यशोदा। कहते उनसे श्रेष्ठ कौन है? कहते ये तो बात्सल्य लीला हो गया, कहते उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले उनकी गोपियां, नंद गोप कुमार आय, कहते उनसे श्रेष्ठ है ब्रज गोपियां, जिनको साथ में कृष्ण कैश्वर अवस्था की है। कैश्वर अवस्था की लीला मतलब रास लीला किसको साथ में की? गोपियों को साथ में की। इसलिए उनसे श्रेष्ठ है कृष्ण का जो कैश्वर अवस्था, उनकी जो किशोरी अवस्था है। कहते उनसे श्रेष्ठ कौन है? कहते श्री राधा रानी, क्योंकि गोपियां भी जिनकी चरण की सेवा करती है। इसलिए कृष्ण का जितने सारे लीला है, सर्वश्रेष्ठ लीला उनकी रास लीला है। इसलिए कहते हैं कि रास लीला कौन सी उम्र में करते हैं? कैशोर अवस्था में। इसलिए कहते हैं उनका जो कैशोर अवस्था का लीला है, सर्वश्रेष्ठ लीला है। कहते रस में कौन सा सर्वश्रेष्ठ रस है? कहते रस में कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ? माधुर्य रस। इसलिए बोले आद्यैव परम रसम, कहते जो आदि रस है कौन सा रस है? कहते श्रृंगार रस है, जो राधा रानी को साथ में जो लीला की, गोपियों को साथ में, कहते उसी रस से ही सारे रस वहां से प्रकट होता है। इसलिए आद्यैव पर रस, आदि रस जो मधुर रस है, वही रस ही सर्वश्रेष्ठ रस, वही रस है। अब इसी जगत में देख लेना, एक माँ बच्चों को
गर्भ में धारण करके बच्चे जन्म दिए कि नहीं तुम लोगों ने दिए बच्चे जन्म दिया कितना कष्ट 9 महीना तक धारण करके प्रसव पीड़ा का सहन करती है मुंह के खाना निकाल करके बच्चे को खिलाती कितना कष्ट आता है पता लेकिन वही बच्चा जब थोड़ी सी बड़ा हो जाता है ना कितना धीरे धीरे बच्चों को साथ में ऐसे मस्त हो जाते हैं बच्चे अगर बच्चों के साथ में खेल रहे ना माँ भुलाने पर भी बच्चा आना नहीं चाहता है आना नहीं चाहता क्योंकि उसको माँ से आनंद नहीं आनंद मिलता है सरकार के साथ लेकिन देखे ना वही बच्चा जब शादी हो जाता है जब शादी हो जाता है देखना तो मैया को भी भूल जाता है सखा को भी भूल जाता है किसको साथ में रहता है पत्नी को साथ में अगर ज्यादा लड़ाई हो तो किसको किसको लेकर अलग हो जाता है अपना पत्नी को लेकर के अलग हो जाती है क्योंकि कहते हैं कि पत्नी से जो रस मिलता है वो सारे रस एक पत्नी को आता है सारे रस सखा जैसे कि पत्नी जब होती है देखना उसके अंदर सख्य भाव भी उसको पत्नी को अंदर में सख्य भाव है इसलिए सारे दोस्त यार दोस्त भूल जाते हैं एक माता जी इसे माता खिलाते पिलाते सब कुछ करके पत्नी भी वो काम करती है और पत्नी का भाव तो पत्नी के अंदर में है ही है इसलिए यहाँ पर कहते हैं इस जगत का तो उसी जगत का जो उल्टा है जो प्रतिफल नहीं इसी जगत है इसी जगत है इसलिए एक पत्नी के अंदर में ये सारे रस विद्यमान है पत्नी के अंदर में इसलिए जो आदि रस जो मूल रस है ना ये श्रृंगार रस को कहते हैं श्रृंगार मतलब जैसे चोटी श्रृंगार मतलब चोटी कहते ये श्रृंगार रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है ये श्रृंगार रस है गोपियों के राधारानी के साथ में जो लीला करते हैं इसलिए वहां पर उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर सिद्धांत वहां पर उन्होंने स्थापन किया है स्थापन करते हुए कहते यहाँ पर आता है जो रूप शिक्षा यहाँ से प्रारंभ होता है श्रीमान महाप्रभु कह रहे हैं बोले रूप गोस्वामी को बोले रूप कि कहते जो भक्ति रस है कहते अथा एक समुद्र है इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने क्या लिखे भक्ति रसामृत सिद्धु ग्रंथ लिखे जिसका नाम भक्ति रस का भक्ति जो रस है वो एक अथा समुद्र जैसे जिसका कोई आर पार नहीं है लेकिन महाप्रभु कहते रूप ये भक्ति तो एकदम अथा रस समुद्र है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसको तो पूरा नहीं चखाया जाता है मैं कोशिश करता हूँ उसका एक बूंद तुमको चखाने के लिए एक बूंद लेकिन एक बूंद तो महाप्रभु रूप गोस्वामी को दिया लेकिन हमारे लिए ना अथा है हमारे लिए बहुत उदाहरण दिया अब रसगुल्ला खाते हो कभी खाए रसगुल्ला खाएगा आप कहना जो रसगुल्ला खाओ अगर एक साथ में कोई बड़ा रसगुल्ला रस को साथ में मुंह में डाल दो आप जो रसगुल्ला खाओगे ये दोनों कोने से कभी एक आध बिंदु रस टपक जाता है मुंह से खाते समय यहाँ से एक दो आध बिंदु रस टपक जब टपक जाती है लेकिन चेटा चेटी के लिए बहुत है जो चीटी है ना हमारे मुंह से तो एक रस बहुत टपका लेकिन चीटी के लिए देखना बहुत है कि नहीं और चीटी खा सकती है हमारी घास जो गिरेगी एक आध बूंद चिटा चिटी खा सकते हैं उसके लिए बहुत है इसलिए महाप्रभु तो भक्ति रस समुद्र है रूप गोस्वामी का एक बूंद दिया है लेकिन उन्होंने बूंद दिया रूप गोस्वामी लेकिन हमारे लिए ना आप चिटा चिटी सब हम सब चिटा चिटी हमारे लिए ये रस बहुत ये रस है फिर तो महाप्रभु कहते हैं तब उन्होंने आरंभ करते है कहते जो मानव शरीर कितने दुर्लभ है कहते रजोगी सम संख्या था पार्थिव रजन तब उदाहरण दिया है जैसे धूल कणा को हम नहीं गिन सकते धूल कणा को गिन सकता है नहीं गिन सकते बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं नहीं गिन सकते तो उसी तरह ये संसार में जो जीव है उसको कोई गिन नहीं सकते हैं देखो एक बोतल पानी देखो इसमें कितने बैक्टीरिया होगा वैसे देखो तो पूरा क्लियर दिखता है लेकिन आप माइक्रोस्कोप से देखो इतने इसके अंदर में इतने बैक्टीरिया होंगे पृथ्वी में इतने लोग भी नहीं है लेकिन पृथ्वी में इतने लोग हैं जितने बैक्टीरिया होगा इसके अंदर में इसलिए कहते हैं संसार में इतने जीव जगत में इतने जीव लेकिन इतने जीव में कुछ तो पेड़ पौधा जन्म है कुछ तो मछली जन्म में कुछ कीड़े मकोड़े होकर जन्म लेते हैं लेकिन महाप्रभु कहते हैं किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ये मानव शरीर मिला सौभाग्यवान व्यक्ति कौन कह रहे मैं नहीं कह रहा भगवान खुद कह रहे हैं जो मानव शरीर है ना
हम इसको साधारण समझते हैं, इसलिए भगवान राम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले बड़े भाग मानो सताय न पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा साधय न धाम सकर द्वारा पाई न जे परलो सवा। भगवान खुद कहते, कृष्ण यही बात कहते, लब्धवा सुदुर्लभ, सारे भगवान एक ही बात कहते, मानव शरीर को साधारण मत समझो। भगवान राम तो बहुत अच्छी बात बताए, बोले देत इस बिनो हेतु सनेही, बहुत अच्छी बात यहाँ पर भगवान बताए। अगर कोई बोले नहीं हमने अच्छा कर्म किया ना इसलिए मानव शरीर मिल गया, भगवान कहते तुम्हारी कोई अच्छे कर्म से ये जीवन नहीं मिला, कोई अच्छे कर्म से नहीं मिला। कैसे, बोले देत इस माने ईश्वर ने दिया है बिनो हेतु सनेही, बिना कारण के स्नेह बसता कैसे तुमको अचानक मिल गया, तुमको ये मत समझो बड़े कर्म अच्छे कर्म करके तुमने मिला है। इसलिए कहते देवताओं के लिए यहाँ अच्छे कर्म करके स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में से कोई कर्म है ही नहीं जो करके थे तो मानव शरीर को प्राप्त हो सकता, कैसे कोई काम नहीं उसका, बाद में पता नहीं कौन से कहाँ जाओगे। इसीलिए देवताओं के लिए भी मानव शरीर हमें दुर्लभ मिला, इस आसानी से जीवन हमें नहीं मिला, बड़े भाग्य से मिला, लेकिन मानव शरीर तो बहुत दुर्लभ है। लेकिन आप लोग तो सब साइंस पढ़ते होंगे, कहते जब स्त्रियों के अंदर में जो एक बिंदु वीर्य जाती है, कहते एक बिंदु वीर्य में करोड़ों करोड़ जीव है, उसमें भी बड़ी लड़ाई होती है जीवन में, लड़ाई होते होते एक जीव कैसे बचता है, एक जीव कैसे बचता है, और हम ये इंसान जीवन में इतने कठिन ये जीवन है, भगवान खुद कह रही बात, इतने कठिन जीवन हमें मिला, लेकिन हमको कैसे लगता है अपने आप से टपक पड़े, नहीं नहीं टपक पड़े अपने आप, बड़े भाग्य से जीवन में मिला। इसलिए हर शास्त्र हर भगवान कहते भैया जीवन दुर्लभ से मिला, इसको ऐसे विषय में गवा मत, ऐसे खा पी कर जीवन को नष्ट मत करो, जीवन पाकर क्या करो, भगवान के भजन करके भक्ति कर इसे संसार से पार हो जाओ, दुनिया से पार हो जाओ जितने जल्दी, जितना अगर पार नहीं होएंगे तो भजन करते हुए जितना बार फिर संसार में जन्म लेंगे, और यहाँ पर लड़ाई झगड़ा अशांति दुख करके भोग करते रहो, इसे जितना जल्दी पार हो क्या करो। प्रभुपाद का एक शिष्य कहते थे, प्रभुपाद का एक शिष्य कहते थे, अभी तो ऑपरेशन का व्यवस्था हो गया, पहले तो ऑपरेशन नहीं था, स्वाभाविक रूप में बच्चे जन्म लेते थे, स्वाभाविक रूप में, हाँ ऑपरेशन नहीं था। वो कह रहे थे एक बच्चा का जन्म में कुल सर निकला, उसका शरीर नहीं निकल रहा है, किस तरह शरीर कुल सर निकला जन्म का समय में, अभी तो बड़ी परेशानी, अभी क्या किया जाए। डॉक्टर ने परिवार से पूछा, बताओ तुमको फल चाहिए ना वृक्ष चाहिए, तुमको फल चाहिए ना वृक्ष चाहिए, मतलब अगर बच्चा निकल नहीं रहा है केवल सर निकला हुआ, अगर वो बच्चे को निकालता पीस पीस कर काट काट कर उसको शरीर में निकालना पड़ेगा, शरीर को पीस पीस कर काट काट निकला पड़ेगा बच्चा काट करके। अगर तुम बच्चे को चाहते हो फिर माँ मर जाएगी, अगर माँ को जिंदा चाहते हो फिर फल को तुमको नष्ट करना पड़ेगा, मतलब बच्चे को तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर काटना पड़ेगा। मैंने बोले भैया पेड़ रहे फिर तो फल होने का चांस है ना, अगर पेड़ ही खत्म हो गया है, मतलब भैया हमें बच्चा नहीं चाहिए हमें माँ चाहिए, वो बच्चे को टुकड़े टुकड़े करके काट काट कर वहां से निकालना है, मतलब वो प्रभुपाद का शिष्य कहते ऐसे ऐसे जीवन हमारी गया है, कई जानवर जीवन में मंदिर तो सीधा टांग उठता लटका करके चमड़ा को उतार देते हैं, आप देखना दुकान में जाकर के पूरा जानवर बिकते हो पूरा चमड़ा उतारता हुआ है ना, मुर्गा हो गया तो किसी कपड़े से पानी निचोड़ते हैं निचोड़ दिया, मछली जन्म हो गया तो चाइना में हम लोग देखोगे मेरे दिखा रहे थे ना, तो चाइनीज लोग कैसे खाते मांस को पूरा उबलते हुए तेल के अंदर में मेरे को दिखा रहे थे, उसको पूरा मछली को डालते हैं और उसको मुंह ऐसे रहेगा और खौलते हुए तेल में वो मछली पकेगा और उसको चम्मच में काट काट कर खाएंगे तभी उनको पैसा देगा, खाते समय उसका मुंह चलनी चाहिए, मतलब जिंदा अवस्था में काट कर खाते हैं मछली को, चाइनीज लोग ऐसे खाते। एक व्यक्ति मेरे को दिखा रहा था, एक व्यक्ति मेरे को दिखा रहा था, ऐसे ऐसे जीवन हमारी बीता है,
अगर भजन नहीं करेंगे फिर ऐसे जीवन में हमें दोबारा जाना पड़ेगा। इसलिए वो कहते थे भैया जितना जल्दी बार क्या करो, हरि का नाम करो, भजन करो, संसार से पार हो जाओ, जितना जल्दी हो संसार से पार हो जाओ है। इसलिए जीवन दुर्लभ, इसलिए यहाँ भगवान कहते भैया फिर जो मानव शरीर मिला ऐसे कुछ जीवन है जो जंगली जानवर जैसे जिनका कोई सभ्यता ना है। कुछ लोग वहां से आते ही आने पर कुछ सभ्यता को अंदर में आते, ऐसे कुछ लोग है नास्तिक है, भगवान भगवान जो मानते नहीं उसकी अंदर में कुछ आस्तिक है। आस्तिक को अंदर में भी देखना, कुछ ऐसे लोग है मानते तो भगवान को मुंह से मानते हैं लेकिन वेद विरुद्ध कर्म को करते हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं। उससे किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को जो ये संस्कार जन्म में मिलता है जो भगवान को मानने वाले, जो ठाकुर जी को गीता भागवत जैसे आप लोग हो भगवान कहते जो गीता भागवत मानने वाले सत्संग में जो आने वाले बड़े भाग्यवान व्यक्ति, जो ये सत्संग साधु संगत में जो आते हैं बड़े भाग्यवान व्यक्ति। लेकिन उसका अंदर में भी फिर महाप्रभु धीरे 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 एक व्यक्ति कैसे ये भक्ति जगत में धीरे धीरे आते हैं, कैसे किसी सौभाग्यवान को साधु संग मिलता है, फिर साधु संग से कैसे उसको अपना तत्व कैसे उसको प्राप्त होता है। और जो भगवान की जो भक्ति में आने वाले जगत में बड़े दुर्लभ व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में आने वाले, इसलिए आप लोग बड़े भाग्यवान हो जो भगवान की भक्ति में आए हैं। इसलिए कहते हैं ना बिनु सत्संग विवेक ना हो और राम कृपा बिनु सुलभ ना हो। जब तक ठाकुर की कृपा नहीं होना ये साधु संग में कोई आने वाले नहीं। इसलिए आज हम सभी को ऊपर में भगवान की विशेष कृपा जो आज हम यहाँ पर बैठे जो हरि कीर्तन और हरि कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम कल से इसको आगे महाप्रभु एकदम डिटेल स्वरूप में ये चीज को बताते हैं, पूरा डिटेल स्वरूप में महाप्रभु ये जीव धीरे धीरे कैसे भक्ति में आते पूरा डिटेल स्वरूप में बताते। फिर कहीं अगर कल से कथा होगा फिर इसका आगे हम कथा सुनेंगे। फिर ये सदगुरु किसको प्राप्त हुआ है, ये सदगुरु किसको प्राप्त होता है जीवन में, कल इस कथा हम कल सुनेंगे, ठीक है। लगता है समय हो गया ना प्रभु जी, कितना समय हो गया, कितना तक कथा होगी, 10 मिनट, ठीक है और 10 मिनट सुन लो। हाँ देखो ये महाप्रभु क्या कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं इसमें किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ये साधु संघ के प्राप्त होता है, किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को। इसलिए महाप्रभु एक सुंदर एक शब्द को प्रयोग करते हैं जो प्रभुपाद कहीं भी कथा करते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ये दो लाइन को उच्चारण करते हुए केवल इसी दो लाइन को व्याख्या करते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद अक्सर करके उनका प्रवचन में ये दो लाइन उच्चारण करके करते थे। देखो दो लाइन क्या है, कहते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए मतलब, ये दो लाइन को याद कर ले। कहीं भी अगर कथा भगवान की सुनाना अब केवल ये दो लाइन की व्याख्या करो, ये दो लाइन में ना जितना वेद पुराण उपनिषद सारे जीवन किया है इसे दो लाइन में आपको सब कुछ मिल जाए, इतने महत्वपूर्ण ये दो लाइन है। यहाँ पर कह रहे हैं जीव को कब ये सदगुरु की प्राप्त होती है, कहते जीव अनादिकाल से भगवान को भुला हुआ है, अनादिकाल से जीव भगवान को भूल करके ये 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष जीवन में हम भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करते 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 कहते तीन चीज, एक पाप पुण्य और एक सुकृति, ये तीन चीज समझो। पाप मतलब होता है जो वेद विरुद्ध कर्म को करना, जो पाप कर्म करना है, हैं? जिसको पाप दूसरों को सताना, चोरी गुंडा बदमाशी जितने पाप कर्म करना है, सुतम पानम स्त्रियम सोना जुआ खेलना जितने हैं, जितने नस्ली वस्तु को ग्रहण करना, अवैध रूप में स्त्री संग करना और जितना जीव हिंसा मतलब मांस मछली अंडा प्याज घसना उठाना, इसका फल क्या बोले नरक है। अगर नरक जाओगे फिर भोग करने के बाद फिर यहीं पर आओगे। पुण्य कर्म करोगे दूसरों को मदद करना, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलना, इसको करके क्या जाओगे, जितना ब्रह्म लोक तक भी जा सकते हो लेकिन जो पुण्य खत्म होगा फिर यहीं पर आओगे, फिर इस मरते जगत में आओगे। लेकिन ये दोनों चीज तो शरीर संबंधी वस्तु है, इसलिए ये दो चीज ये नष्ट हो जाता है, ये दो चीज हमारी नष्ट हो जाती है। लेकिन तीसरे चीज है जो इससे जो अलग है,
कहते इससे एक अलग है तो तीसरी चीज है, कहते वो क्या है, कहते ये सुकृति। क्या है? सुकृति। इधर देखो, ध्यान देखे, कहते ये तीसरे जो चीज इसको कहते सुकृति। बोले सुकृति क्या चीज होती है? बोले सुकृति कहते हैं भगवान और उनकी भक्त संबंधी जो वस्तु है इसको कहते हैं सुकृति। ये दोनों शरीर संबंधी, शरीर जैसे नष्ट होने पर ये दोनों चीज नष्ट हो जाती है, सुकृति जो तीसरी चीज है ना ये कभी नष्ट नहीं होता, ये केवल आपकी जन्म जन्मांतर की संचित होना, केवल ये सुकृति तुम्हारी संचय हो रहा है। इसलिए गुरुदेव एक कथा सुनाया करते थे, गुरुदेव कहते थे कोई एक संत थे वो गांव गांव में भिक्षा मांगते थे, गांव गांव में भिक्षा मांगते थे, लेकिन जो लोग देते थे उसको क्या करते, संतों लगे लगे ठाकुर को सेवा में लगाते, और ठाकुर को सेवा में लगेगा तो संतों की सेवा में उसका संस्कार बनेगा। लेकिन एक बुढ़िया रहती थी, बड़ी कंजूसी है, एक पैसा भी निकालने वाली नहीं, एक पैसा भी निकलती नहीं। उसको घर में जब वो भिक्षा लेने जाते थे ना वो गाली गलौज करती थी, बोले तेरे को शर्म नहीं आता है, भीख मांगने के लिए आ गए, काम करके खा नहीं सकते, वो बड़ी गाली बकती थी। लेकिन वो संत बड़े दयालु हुए, वो संत रोज जाना उसी घर। एक दिन आपको पता होगा गांव में पहले क्या होता था, गोबर और मिट्टी से घर को पोता लाया, तो क्या हो जिंदगी में किए नहीं ये है, गोबर और मिट्टी से घर को रोज पोता लगाया करते थे। इसलिए वो सवेरे सवेरे पोता लगा रही थी, ये संत पहुंच गए, अपने माता जी को जो भिक्षा तो बोले शर्म नहीं आते दारी के तरीको, तो सवेरे सवेरे आ गया भीख मांगने के लिए, बोले लो भिक्षा। बोले क्या? वो जो कपड़ा था ना जिसमें मिट्टी और गोबर था उसको मैंने फेंक करके मारे संत को ऊपर, लेकिन संत तो बड़े दयालु, संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय तो बड़े दयालु, बोले कुछ नहीं देती थी आज कम से कम कुछ तो दे दिया, आज तो कुछ ना कुछ दे दिया है। इसलिए देखो नियम है ना, हमारे भारत में क्या होता था, बोलते थे एक चौथाई भगवत सेवा में साधु सेवा में लगा, हर चीज अपना सेवा में नहीं लगानी चाहिए, कुछ ना कुछ वस्तु जो कमाई के कुछ ना कुछ वस्तु भगवत और संतों सेवा में लगाओ। बोले क्यों लगाओ? क्योंकि लगाओगे ना जिसको ब्याह ब्याले से होगा उसको तो मिलेगा ना, अगर कुछ ब्याह ब्याले से नहीं हुआ तुमको मिलेगा कहाँ से, मिलेगा मिल नहीं सकती है। हैं देखना कुछ लोग रोड में बैठे हुए एक पैसा के लिए बिला, माता जी एक पैसा दे तो बोले क्यों, ये रोड पति क्यों हो गया, एक कोई करोड़पति एक रोडपति क्यों हुआ, कारण है उसका पूर्व जन्म का संचय कुछ है ही नहीं, उसने कुछ संचय किया ही नहीं, इसलिए वो रोड में एक पैसा के लिए बिल मिला रहे। और जिनको बढ़िया माल मिला क्यों, पूर्व जन्म में दिया है, पूर्व जन्म में उनने कुछ दिया है, वो दिया तो वो वस्तु संचित है, ब्याह ब्याले से होगा तब तो तुमको मिलेगा ना। इसलिए भारत में पहले क्या करते थे, जो कमाई का कुछ ना कुछ अंश उसको भगवत सेवा और नहीं तो ठाकुर सेवा में कुछ ना कुछ देते थे, निकालते थे ना कुछ निकाल कर रखते थे, नहीं इसको मंदिर में अच्छे सेवा के लिए निकाल कर रखो। और निकालने पर क्या होता है, जो लक्ष्मी है ना ये चीज वो समझो, जो लक्ष्मी है ये तुम्हारी है ही नहीं, वो लक्ष्मी नारायण की है, हैं? देखना लक्ष्मी की दो वाहन है, कितना वाहन है, क्या क्या, एक उल्लू और एक गरुड़। अब ये चीज वो समझो, जब हम लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के बगैर कुछ भी नहीं होता है, लक्ष्मी को जब हम अपना भोग के लिए बुलाएंगे, माँ लक्ष्मी घर में आप लिखी हो तो तुमको हम भोग करेंगे, खाएंगे दिया भी कर बढ़िया घर में ना आए से करेंगे, तब लक्ष्मी दुखी होती है, मैं तुम्हें तो नारायण की और तुम मेरे को भोग के लिए बुला रहे, वो उल्लू को फिर बैठ कर गाय, वो हमें उल्लू की पट्टा बनाएगी, उल्लू हमें उल्लू मतलब मूर्ख बनाएगी, क्योंकि उल्लू लक्ष्मी तुम्हारी है ही नहीं, लक्ष्मी तो भगवान की लक्ष्मी है, ये तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारी तो मोह है, ये लक्ष्मी हमारी है, लक्ष्मी तुम्हारी है ही नहीं, लक्ष्मी तो ठाकुर जी की है। लेकिन अगर लक्ष्मी को बुला, बोले माँ लक्ष्मी तेरे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, बता पैसा के बगैर कुछ कर सकते हैं, कुछ भी होने वाले नहीं, हे माँ लक्ष्मी तुम नहीं होगा तो ठाकुर को सेवा कैसे करेंगे, ठाकुर को प्रसाद कैसे बनेगा, ठाकुर जी की घर कैसे बनेगा, तुम्हारे ठाकुर को सेवा कैसे होगा, इसलिए लक्ष्मी आओ, क्यों ठाकुर को सेवा के लिए आओ। और लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आए और आ करके ना वो फिर आप देखना उल्लू को पर तो लक्ष्मी अकेली बैठती है,
गरुड़ गोबर में लक्ष्मी अकेली नहीं, वो नारायण को साथ में बैठा हुआ देखा। कभी गरुड़ गोबर लक्ष्मी को अकेले नहीं देखते, नारायण को साथ में। ये गरुड़ कहाँ रहता है? बोले वैकुंठ। गरुड़ वैकुंठ में रहता है, पर गरुड़ आएगी ना हमारे घर को वैकुंठ बना देगी। जिस घर में हरि कीर्तन, हरि कथा, हरि नाम हो, वो घर घर नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, यदि न गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भाई। जिस दिन घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो, वो घर घर ही नहीं, वही गोलोक वैकुंठ है, वही गोलोक वृंदावन बन जाती है। इसलिए नियम है क्या करने चाहिए, कुछ ना कुछ अंश भगवत सेवा में लगे। अगर ठाकुर का सेवा में अगर कोई अर्थ नहीं लगती है ना, अब देख लेना वो घर में कभी शांति सुख नहीं। अब देख लेना, भले ही करोड़ रुपया तुम्हारी घर में है, लेकिन उसको तुम भोग कर रहे हो, गलत काम पर लगा रहे हो, ठाकुर का सेवा में नहीं लगाते हो, आप देखना मामला मकदमा लड़ाई झगड़ा बीमारी दुख कष्ट सारे वहीं पर आ रहे। क्यों? लक्ष्मी को तुम खो करना चाह रहे हो, लक्ष्मी तुम्हारी है ही नहीं, लक्ष्मी तो ठाकुर जी की लक्ष्मी है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, उनने तो उठाया कपड़े और कपड़े उठाकर मारे किसको, संतों को, लेकिन संतों को दयालु है तो उन्होंने कपड़े को लेकर बोले आज तो कुछ ना कुछ दे दिया, अच्छे तरह से मालूम कर पानी में धोए, धूप में सुखाए और उसका बत्ती बनाए और उसमें घी में भिगवाया, भिगवा करके शाम को ठाकुर को उन्होंने आरती उतारा, ठाकुर को आरती उतारा, बोले जय जय राधा कृष्ण युगल मेला आरती कराए ललिता दि सखी मदन मोहन रूपति मंग सुंदर सीतावर सिखि पूज सुरा मनो ललिता माधव वामे विश्व भानु कन्या नील वसन गौरी रूप गुण गंगा नाभिध अलंकार करि जल माला हरि मन विमोहन बदन उज्ज्वल सीता कवि सखी नारायण सखी जत चमर गुलार श्री राधा माधव पद सरसी जया से भगति विनोद सखी पद ठाकुर जी का आरती था, लेकिन वो बत्ती किसकी थी? बूढ़ी माता की। देखो ठाकुर को सेवा में जो कोई वस्तु लगी जाती है ना, उसका फल देखो कितना फल, कितने कितने महान फल, क्योंकि वो बत्ती और माता जी की बत्ती थी, लेकिन वो ठाकुर जी का आरती उतार रहे। देखो वो अपनी आप माता जी का हृदय, अभी तो वो जो क्रूर कठोर थी उसकी हृदय, लेकिन जब उसको सेवा में लग गया ना, उसका हृदय अपने आप बदल गई। वो कह रही है हाय रे, ये संत हमारे घर में आए, संतों को तो कुछ दिया ही नहीं, हमने गोबर और मिट्टी से सने हुए मैंने कपड़े फेंक करके मारे, संत कुछ भी बुला नहीं, उसको उठा कर ले गए, हमने अपराध किए। जब कल संत यहाँ आएंगे ना, मैं संतों को मैं क्षमा मांगू। रोज संत आते गांव में भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन रोज तो बिगड़ के गाली देते थे, लेकिन आज जब संत आए ना, उन्होंने दूर से बोले बाबा साधु बाबा आज हमारे घर में आयो, आज हमारे घर में आना। संत बोले आज इसको क्या हो गया, रोज तो गाली दे रही थी, आज ये तो मेरे को बुला रही है। तब वो संत आए और आए तो प्रणाम किया, बैठाया, माफी मांगी, बोले बाबा मैंने आपके चरण में अपराध कर दी। संत बड़े दया बोले नहीं कोई बात नहीं है, सब ठाकुर की इच्छा है। तब उन्होंने थोड़ी सी कुछ भिक्षा ठाकुर जी को उन्हें संतों को दिया। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, अगर अज्ञान में अगर कुछ संतों को दे दिया, ठाकुर सेवा में लग गई, तुलसी परिक्रमा की, ठाकुर को भोग लगाया, आरती उतारी, भगवान और भक्तों को संबंधी कोई अगर काम किया है ना, इसको कहते हैं सुकृति। ये कभी आपकी नष्ट नहीं होती, कभी। जैसे सत्संग सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये सब के सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, कथा में आप बैठे, ये कभी, ये समय कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए सुत गोस्वामी कहते हैं, बोले आयुर हरति वही पुंसान उद्धन अस्तंत जन सौ तस्ते जम धनम नीत उत्तम सुखवाता है। सुत गोस्वामी कहते जो सूरज है ये काल है, ये सूरज उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त हो गया। हम कहते ना लाला 10 साल की हो गए, 10 साल नहीं हुए। अब बोले कितना साल की हुई, बोले बोझ लगा है क्या, तो 30 साल हो गया। बोले तुमने 30 साल की नहीं हो गए, तुम्हारी 30 साल खत्म हो गया है, 30 साल के नहीं हो गए,
हमारा जो फिक्स परमात्मा तीसरा मन खत्म हो गया। हम कोई बड़े हो रहे ना छोटे हो रहे, बताओ छोटे हो रहे ना बड़े हो रहे? कोई बड़े नहीं हो रहे, सबसे सब छोटे हो रहे। लेकिन यहाँ पर सुतो गोस्वामी कहते हैं ये काल सभी का परमायु को नष्ट कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति का परमायु नष्ट नहीं होता है। किसका है? बोले जितने समय हम भगवान की कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं ना, ये काल का काल भगवान है। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास। सारा दुनिया कोरोना आया था ना, सबको घर में बंद कर दिया था। कोई मरना चाहते, कोई मरना चाहते, कोई नहीं मरना चाहते। काल को सब डरते, लेकिन कहते काल एक व्यक्ति को डरता है, कहते काल को दुनिया डरता है, लेकिन काल एक को डरता है। बोले किसको? बोले देखिए यार विष्णुदास, जो भगवान की जो भक्त है ना, जो हरिनाम करते हैं, जो भगवान की कथा सुनते, जो पूजा करते हैं, काल उनसे डरता है। और सारा दुनिया काल को डरता है, काल डरता है भक्तों को। इसलिए ध्रुव महाराज जी कथा आती है ना, ध्रुव महाराज जो वैकुंठ से रथ आए, काल स्वयं आए, बोले मेरे को स्पर्श किया मगर जा नहीं सकते, कैसे जा रहे हो वैकुंठ? तुम कौन? बोले काल। बोले बैठ जा, बैठ जाओ। तो ध्रुव महाराज क्या किया, ससर भी में काल के सर को ऊपर में प्यार रख करके, काल के सर को ऊपर प्यार रख करके शरीर में उन्होंने वैकुंठ विजय किया है, काल को भी जीत लिया जो भगवान की भक्ति करते। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं ये ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान को, बोले कौन मतलब किसी सौभाग्यवान को, जीव को जीवन में गुरु और कृष्ण की प्राप्त होता है। बोले कौन सा सौभाग्यवान? बोले जिन्होंने पूर्व पूर्व जन्मों में अच्छे भगवान के लिए, संतों के लिए जो सुकृत किया, सेवा किया, उनको ही जीवन में ये सदगुरु की भगवत भक्त संग तभी जीव को प्राप्त होता है, नहीं तो प्राप्त नहीं होता है। जब मिलता है फिर क्या होगा? बोले कौन भाग्यवान जीव है? बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। तो वहां पर महाप्रभु कहते हैं गुरु और कृष्ण कृपा से ये भक्ति को एक लता को साथ में उदाहरण दिया। लेकिन लता होगा कब? बीज वगैरह तो लता हो ही नहीं सकती, कोई बीज होनी चाहिए ना, तो मतलब लता बनेगी। लता ही भक्ति लता है। जब ये बीज क्या है? बोले गुरु जो हमें हृदय में मंत्र प्रदान करते हैं, कभी ये बीज है, ये बीज है, है? यही बीज है। बोले इनकी कृपा से भक्ति लता रूपी बीज जीव को प्राप्त होता है, मतलब जीव को ये सदगुरु की प्राप्ति होता है। यह मैंने जीवन में सदगुरु आश्रय करते हुए भजन करने चाहिए। अब एक छोटी सी कहानी सुना था, अब अच्छे तरीके सुना, ये सदगुरु प्राप्ति किया है कैसे होता है क्या, एक कथा सुन लो, नई कथा सुन लो। बोले एक समय श्री नारद जी किसी गृहस्थ भक्त के घर में आए। जो गृहस्थ भक्त के घर में आए, जो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता थी। अब तो उड़ी भारत एक, आप सब जानते होंगे भारत में स्त्रियां कितने पतिव्रता होती है, पति के चरण धोकर चरणा पीते हैं, पति को पिला करके खाते हैं, उनकी उचिष्ट खाते हैं, पति के लिए बिस्तरा सजाते हैं, उनकी चरण सेवा करती है पत्नियां, है? हम लोग सब भारत से, आप सब जानते हो पतिव्रता नारी कैसे सेवा करते हैं, हम लोग भारत के ना, आप सब जानते हो। और पत्नी पत्नी अपना पति को ही अपना क्या मानते हैं, देवता मानते हैं ना, पति को ही परमात्मा मानते हैं हमारे जो भारत के जो ट्रेडिशन है। देखो अब लोग धीरे धीरे इधर आकर ना भूल जा रहे हैं, लेकिन देखो जब तक ये संस्कृति हमारी दुनिया में रहेगा, अब देखना तब तक आप जीवन में शांति बनाओ। जब ये संस्कृति खत्म हो जाएगी, कभी जीवन में शांति नहीं रह सकते हो। कभी जीवन में आपको लगता है वेस्टर्न कल्चर क्या है, क्या आपको बताए वो? अब धीरे धीरे आपको अगर पता होगा, आप अभी तक भारत से आए हो, वो संस्कृति लेकर आए, देखना तुम्हारे बच्चे कैसे बनेंगे, तुम खुद देख लेना। हमारे भारत का संस्कृति क्या है? प्रात उठ ही रघुनाथा, मात पीत गुरु न मैं माता। बच्चा सबसे पहले उठकर पिता माता की चरण छूता है। रामायण देखे होंगे, जब राम दशरथ महाराज सैनिक की हुई, भगवान राम सो पिताजी की चरण सेवा करते हैं। भगवान स्वयं पिता माता के आदेश पालन करने के लिए कितना साल गए थे वनवास? 14 साल के लिए, है ना? हमारी ये संस्कृति, ये शिक्षा हमें देती है, पिता माता की सेवा करो। ओल्ड हाउस में कोई पिता माता को छोड़ते हैं? इधर देखो सब ओल्ड हाउस में छोड़े हुए, साल में जाकर एक बार कहीं मिलेगा, बस हो गया,
है, इसलिए अब जब तक भारतीय संस्कृति है ना, इसलिए उनका देश का नाम था अयोध्या, जहाँ पर युद्ध नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। क्यों? भगवान राम सब शिक्षा देते हैं। इसलिए अभी क्या हुआ, वो तो बड़ी पतिव्रता नारी थी, पति की बड़ी सेवा करती थी। नारद जी आए, जब नारद जी आए तो उसने नारद जी को उन्होंने भोजन बनाकर खिलाया। जब भोजन बनाकर खिलाया, नारद जी भोजन तो किए, लेकिन वो सोच रहे थे शायद भक्ति भक्ति होगी, वैष्णवी भक्ति करती होगी। नारद जी जब उनको एक सार उठा करके देखा है ना, देखा उसके ललाट में तिलक है नहीं, इसके गले में तुलसी की कंठी नहीं, मतलब उसने सदगुरु दीक्षा मंत्र ग्रहण नहीं किया है, कि सदगुरु के चरण आश्रय नहीं किया, इसलिए गले में कंठी और तिलक नहीं। इसलिए उन्होंने जब देखा उसकी कोई तिलक कंठी नहीं, बोले भैया एक अवैष्णवी जो विष्णु मंत्र में दीक्षा नहीं लिए है, उसकी हाथ के हमने भोजन कर दिया, मतलब मेरा धर्म कर्म खत्म हो गया। उन्होंने उसको सामने उल्टी कर दी, उल्टी कर दी, क्योंकि शंकर जी पार्वती को कह रहे हैं, शंकर जी पार्वती को विष्णु दीक्षा भी ना जे है, कहते जो विष्णु मंत्र में दीक्षा नहीं ग्रहण करते हैं, गुरु दीक्षा भी ना जे ना अधिकार कथा श्रवे, कहते पशु जोनी अपने आप कृतम सर्व कृतम। वहां पर श्लोक में शंकर जी पार्वती बोलते हैं, पार्वती अगर कोई कृष्णा मंत्र में दीक्षा मंत्र ग्रहण नहीं किया है, वो जितना कर्म करता है वो सारे कर्म निष्फल हो जाता है, और अगर कृष्ण मंत्र में कोई दीक्षा मंत्र नहीं लिया तो फिर पशु जनि अपने आप, शंकर जी कह रहे पार्वती को अगले जीवन में उसको पशु जनि में जाना पड़ेगा, उसको है उसको पशु जनि में जाना पड़ेगा। इसलिए बोले तुमने गल में कंठी मंत्र दीक्षा नहीं लिया, इसलिए अधिष्ठित व्यक्ति हो, मैं नारद हूँ, तुम्हारे हाथ में गल में कंठी तिलक नहीं, इसलिए मेरी सारे धर्म कर्म नष्ट, इसलिए उल्टी कर दी। तो बड़े दुखी हो गए, बोले बाबा क्या करना पड़ेगा, बोलो हमारे घर में संत आए, हाथ में खाना नहीं था। बोले देख बेटी, अगर तुम भोजन कराना चाहते हो ठाकुर से, पहले सदगुरु से गले से कंठी और तिलक धारण करो, तभी तो मैं कुछ ग्रहण कर सकता। बोले बाबा जल्दी जल्दी हमें दीक्षा मंत्र दो। तब उन्होंने तुलसी कंठी तिलक दिया, तिलक लगा करके बोले गुरु जी बताओ क्या आदेश है। बोले देखो बेटी, जो कृष्णा मंत्र में दीक्षा नहीं लिया ना, उसको थोड़ा दूर रहना, उनसे थोड़ा तू दूर रहा करो है, और अगर कोई जरूरत हो ना मेरे को बुलाना, मैं आ जाऊंगा। वो चले गए, चले गए, पति बाहर गए थे, पति आए, जब पति आए रोज पति का चरण धोते थे, चरणा मृत लेते थे, लेकिन गुरु जी बोले जो दीक्षा मंत्र नहीं गया उनसे दूर रहे। अब जो गुरु जी आए ना, जब उनके पति आए ना, वो पति को जैसे चरण धोती थी, वो दूर से पानी फेंक करके उसको पास में नहीं गया, पानी फेंक करके उसको चरण में दिया, और जो थाला जो भोजन देती थी ना, वो दूर से सरका करके दे रही थी, और वो कह रहे हैं आज से मेरे पास में सो नहीं सकते दूसरे घर में, क्योंकि अब कृष्ण मंत्र में दीक्षा नहीं लिया। गुरु जी बोले जो कृष्ण मंत्र में दीक्षा नहीं लिया उनसे दूर रहना, इसलिए दूर। पति तो बड़ी चक्कर में पड़े थे, ये क्या नारद जी कौन सा मंत्र दिया, क्या दीक्षा दिया। बोले जी तो मेरे पति पर तो पता नहीं बुद्धि क्या कर दिया। बोले भैया तुम्हारी गुरु कौन है। बोले नारद जी। बोले उनको बुला सकते हो। बोले हाँ। गुरु जी बोले जब जरूरत हो मेरे को याद कर लेना। इतने में उन्हें गुरु जी को बोले गुरु जी को बुला। तो उन्होंने गुरु जी को बोला गुरु जी आप कृपा करके आओ। नारद है ना, स्मरण कर छठ नारद जी कर। पति तो देख करके अक्के बक्के चक्के, बोलते ना चमत्कार को नमस्कार। बोले भैया क्या गुरु जी याद करते सामने हो गए, भैया जरूर कुछ है। तो बोले बोले क्या चाहिए। बोले गुरुदेव हमारे पति को भी दीक्षा मंत्र आ दो। बोले देख बेटा जाओ तुम स्नान करके आओ। जब स्नान के लिए गए उनको जितने यार दोस्त थे बोले तू तो थोड़ी देर पहले नहा धोकर गए, अभी फिर दो बार क्यों आए। बोले नारद जी आए गुरु जी दीक्षा मंत्र लूंगा, क्योंकि दीक्षा मंत्र के बगैर पवित्र नहीं होते हैं, शंकर जी कहते पशु जन मिलेगा, इसलिए मैं दीक्षा मंत्र लूंगा। अब देखना जगत में प्रपंच बड़े लोग होते हैं, बुद्धि भ्रष्ट करने वाले ज्यादा होते हैं, सद रास्ता दिखाने वाले बहुत कम होते हैं। देखना है सद रास्ता में ले जाने वाले बहुत कम, बुद्धि को खराब करने वाले बहुत जगत में। बोले अभी पितृपक्ष चल रहा है, ये पितृपक्ष में क्या दीक्षा मंत्र कर रुक जा, वो जानता है ना अगर ये दीक्षा मंत्र लेगा हमसे दूर रहेगा, जो बैठ करके जो गप पे सब पे अड्डा मारते होगा नहीं हो। बोले कुछ दिन रुक जा, अभी क्या भजन करोगे, थोड़ी रुक जा, क्या इतना जल्दी थोड़ी मर रहे हो। बोले ना गुरु जी बाद में ले लूंगा। बुद्धि खराब कर दिया, हाँ बुद्धि खराब कर दिया। बोले गुरु जी कुछ दिन बाद में फिर दीक्षा मंत्र लूंगा। बोले ठीक है बेटा, अभी कुछ दिन बाद में दोनों को मृत्यु हुई तो
इसने तो गुरु जी से दीक्षा मंत्र लिया, भजन किया, इसने विदर्भ देश में राजा का बेटी बनकर के जन्म हुई उसकी जो पत्नी, और इतने सुंदरी रूप धारण की जैसे मिस यूनिवर्स जैसे कहते हैं, सारा दुनिया राजा तरसते थे उसके साथ ही करने के लिए, क्योंकि भक्ति किया ना, भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। इसने मीरा कहती है ना, दीन दीन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती और बड़ी भक्तिमती। लेकिन उसको पति ने दीक्षा मंत्र नहीं लेने का नाते उसी देश में राजा के घर में हाथी बनकर जन्म। ये शंकर जी कह रहे हैं पार्वती को, बोले पशु जोनी अपने आत है, पशु जोनी अपने आत, समस्त पशु जोनी को जाते हैं और जितने सत्कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं। अभी लड़की बड़ी हुई राजकुमार, वहां तो क्या होता है राजकुमार के लिए स्वयंवर सभा होती है, सारे बड़े बड़े राजा आए हुए। अभी ये बेटी बरमाला लेकर के देख रही है किसको गले में माला था। लेकिन वो भक्ति के ना पूर्व जन्म में वो भक्ति संस्कार, भक्ति तो नष्ट नहीं होती, अभी उसके पूर्व जन्म का संस्कार है। इतने में सामने देखा तो हाथी खड़ा हुआ, वो हाथी को अगर नजर गया ना, वो पहचान गया ये मेरे पूर्व जन्म का पति है। लेकिन नारद इसके दीक्षा मंत्र नहीं लेने का ना, तो ये उसने ये हाथी जीवन प्राप्त किया है। उसने उसने माला लेकर के ना हाथी के गला में उन्हें ना माला पहना दिया। जो माला पहना दिया, इतने बड़े बड़े राजा लोग आए हुए क्या, इतने सुंदर सुंदर पुरुष रहते राजा रहते, हाथी गला में माला पहना, थोड़े जोर से माला हंसे राजा ने, बोले बेटी तुमने क्या की, इतने सुंदर सुंदर राजा बैठे हुए तो हाथी गले में क्यों माला दिया। पिताजी ये पूर्व जन्म में मेरे पति है, नारद जी मेरे घर में आए थे, मेरे को दीक्षा मंत्र दी, उसका फल स्वरूप में आज मैंने आपकी बेटी जन्म करते हुए आई हूँ, क्योंकि मैंने भक्ति की। लेकिन उसी समय कुछ असत संग उसको बुद्धि खराब कर दिया, तो अभी क्या दीक्षा मंत्र रुक जा है, इसलिए कहते ना कहते कल कर सो आज करो और आज कर सो अब, इसलिए पहले में पढ़ाई होगी बहुरी रह, हम उसको उल्टा कर दिया, बोले आज कर सो कल करो, कल कर सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करते पढ़ा रहा है बरसों, उसका हमने उल्टा कर दिया है। इतने में बोले पिताजी, बोले बेटी अभी क्या होगा, तुम तो माला डाल दिया हाथी गला, बोले गुरुजी पिताजी मेरे गुरुजी मेरे को ये बताए, अगर जरूरत पड़े तो मेरे को याद करना, मैं गुरुजी को बुलाता हूँ, गुरु जरूर कुछ करेगी। तब उन्हें नारद जी को समर्पित, नारद जी गुरुजी कृपा करके दर्शन देते, झट नारद प्रकट हो। राजा तो बोले बाबा क्या गुरु स्मरण करती आगे, बोले क्या बेटी, बोले ये मेरे पति आज पहले जन्म में ये असत संग से बुद्धि खराब कर दिया था, दीक्षा मंत्र नहीं ली, ये हाथी बन करके आए, इसलिए मेरे पति को बड़े कृपा कर। इतने में नारद जी उसका सर पर हाथ रख दिए, हाथ रखते ना झट उसने सुंदर राजकुमार, ये राजकुमार बनकर के झट नारद जी के चरण में गिर पड़े, बोले गुरुदेव और देर नहीं, अभी मेरे को दीक्षा मंत्र था, अभी हमें दीक्षा मंत्र दो, अभी हम देर करना नहीं चाहते, नहीं करे तो एक जीवन तो पशु जन्म में हम चले गए, फिर हम दो बार पशु जन्म में जाना नहीं चाहते। फिर नारद जी उनको दीक्षा मंत्र दिए, दीक्षा मंत्र से संस्कार बदला करके फिर हरिनाम किया, भजन किया, फिर दोनों पति पत्नी भगवान की धाम को प्राप्त किया। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं ये ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, किसी सौभाग्यवान जीव को गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। ये जो भक्ति लता जो बीज कैसे प्राप्त होता है, बोले गुरु जी कृपा से। इसलिए गुरु जी चार तरह का गुरु जी बताए, कहते एक तो दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु, एक महंत गुरु, एक अंतर्यामी गुरु, चार तरह का गुरु जी है। इसलिए यहाँ पर बताए जो एक जो महंत गुरु, जो अंतर्यामी गुरु में कौन, बोले भगवान स्वयं बैठे, जो सभी का हृदय में कहते ना कृष्णम बंदे जगत गुरु, कहते ना कृष्णम बंदे जगत गुरु, कृष्ण ही जगत गुरु है, वही हृदय से ही प्रेरणा करने वाले वही है, वही हृदय से प्रेरणा करने वाले। इसलिए कहते कि जो अंतर्यामी गुरु ही ये महंत गुरु रूप में या डायरेक्ट रूप में गुरु जी रूप में जगत में प्रकट होते हैं, गुरु जी रूप में प्रकट होते हैं, प्रकट होकर के कहते ना संसार दावा नल लीन लोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्त कल्याण गुणार्थ कौन है, बोले भगवान के अंदर में जो कृपा है, जो करुणा है, क्यों भगवान अपने जगत पिता तो मैं वो माता च पिता, तो मैं वो जगत पिता जगन्नाथ है, हम सब उनके बच्चे हैं,
अगर बच्चे अगर दुख कष्ट भोग करे पिता माता थोड़ी सहन कर सकते हैं, देना अगर बच्चे दुखी देना पिता माता भी बच्चे को दुख में दुखी हो जाते हैं। क्यों? बच्चे दुखी है, हम भगवान की संतान है, इसलिए हमारे दुख कष्ट को देख करके भगवान क्या करते हैं, उनकी कृपा ही एक बुद्धिमान रूप धारण करता है, एक बुद्धिमान रूप धारण करके जगत में ये गुरु रूप में जगत में प्रकटित होते हैं। इसलिए कहते हैं जो गुरु जी बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, यहाँ पर दो शब्द आया, कहते गुरु जी मिले बोले कृष्ण, ये कृष्ण का प्रसाद क्यों आया, ये कृष्ण क्या करते हैं, बोले जो कृष्ण है क्योंकि हम किसी साधु को पहचान नहीं सकते, कौन साधु कौन असाधु हम पहचान सकते नहीं पहचान सकते, हम तो देखेंगे बड़े लंबे चौड़े हो जगत में, जिनका बड़ा नाम हो जगत में है, जिनके करोड़ों करोड़ लाख लाख शिष्य हो, उनको पास में हम जाकर के दीक्षा मंत्र लेना के लिए चाहे हम है ना जगत में बड़ा, लेकिन सचमुच से कौन गुरु बनने का लायक है उसको किसको पता है, ये ठाकुर जी को पता है, भगवान के पता है, भगवान ही व्यवस्था करते हैं अंतर्यामी रूप में, वो जो महंत गुरु को पास में लाने वाले कौन है, ये ठाकुर जी, जो जीव को जो प्रेरणा देने वाले भगवान है, वो उनको पता है सचमुच से गुरु जी कौन है, वो व्यवस्था करते हैं गुरु जी को पास में लेने के लिए, इसलिए कि जो गुरु कृष्ण प्रसाद में, ये केवल गुरु नहीं कृष्ण प्रसाद, क्योंकि प्रेरणा जो देने वाले कौन है, कृष्ण ही प्रेरणा देने वाले पहुंचाने वाले कृष्ण है, इसलिए क्या मिलता है भक्ति लता बीज, ये भक्ति एक लता उसका जो बीज है किसकी कृपा मिलती है, गुरु जी के पास, फिर बीज क्या है लता क्या है हम कल इसको सुनेंगे, इसी विषय में प्रभुपाद क्या कहते हैं, भक्ति क्या है लता क्या है बीज क्या है, ये क्यों प्राप्त होता है किस लिए प्राप्त होता है, ये चीज हम कल सुनेंगे प्रभुपाद इसी विषय पर बड़े विस्तृत प्रभुपाद बड़े टीका, और हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज बहुत अच्छी अच्छी बात वहां पर बताया, इस श्लोक को व्याख्या करते हुए महाराज भी अच्छी अच्छी बात बताए, इसको हम कल सबके सब सुनेंगे, ठीक है आज हम कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, अगले बादशाह कल परमेश का कृपा सिंधु है बच्चों तथा नाम पावे हो वैष्णव हो नमो पिता गौर ब्रह्मान ठाकुर जी आते कि नहीं ले ले आते ले हाँ देखो आज इन्होंने पत्नी का नाम क्या प्रभु जी आपकी माधवी दास माधव दीदी सचिनंदन प्रभु आज घर में देखो आज घर में उन्होंने भक्तों को बुलाए घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो रही है देखो शास्त्र कहता है जिस दिन घर में भक्त लोग आए हरि कीर्तन होना वो घर नहीं घर क्या बन जाता है बोलो वृंदावन बने इनके लिए ताली बजाओ घर में हरि कीर्तन हरि कथा करते लेकिन लेकिन अभी देखो ध्यान देकर सुना लेकिन अभी ऐसे दुनिया हो गया ना अभी घर में संतों को ही नहीं बुलाना चाहते किसको शराबी को जुआई को घर को बुलाए और जैसे इन्होंने ठाकुर के लिए बड़े सुंदर प्रसाद बनाए अभी क्या होता है दारू पिलाना अब बताने कितना मुर्गा को मार डालते हैं कितना बकरी को मार करके कितने किसी चीज पिला बोले नहीं किसम नहीं करनी चाहिए किसम नहीं करनी चाहिए क्या करनी चाहिए घर में संतों को बुलाओ घर में हरि कथा हो घर में हरि कीर्तन हो तभी घर की पवित्रता तभी घर नहीं तो घर में पवित्रता नहीं होती ठीक है बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सब बोले बोल Hare Krishna
Thank you.
कीर्तन में नाचने का बड़ा पुण्य है। ये दुनिया में हम सब ही नाच रहे हैं, बताओ कौन नाच रहा है? कोई पैसा को सामने नाच रहा है, कोई बीवी को सामने नाच रहा है, कोई पति को सामने नाच रहा है, और ये 84 लाख जन्म हम सब नाच ही रहे हैं, बताओ कौन नहीं नाच रहा है? बोले कब तक नाचोगे? बोले जब तक भगवान के दरबार में नहीं नाच लेते हो। उनके दरबार में एक बार नाच लो, सारे नाचना तुम्हारी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? सबके सब हाथ उठा लो, हरे कृष्णा। प्रभु जी मैंने क्या बताया उनको, बताया कि नहीं तुमने? ओ हरे कृष्णा, इसलिए सबके सब ना कैसे नाचे कैसे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, गौरी गौरांग
खोला हाथ खोला तो बताएं भाई जोर से हाथ उठाओ प्रणिताई गौर हरि नितलीला ब्रह्मशील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय नितलीला ब्रह्मशील भक्ति विधान श्रील बामन गोस्वामी महाराज की जय नितलीला ब्रह्मशील भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज की जय नितलीला ब्रह्मशील भक्ति विधान स्वामी महाराज की जय श्रील गौरव गोविंद महाराज की जय भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय सपरिकर प्रभुपाद की जय सपरिकर गौर हरि की जय अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि बोले महाप्रसाद की सचिनंदन गौर हरि की निताई गौर ब्रह्मानंद सुंदर सुंदर गोपाल प्रभु सब लोग प्रश्न आते हैं।